हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम बैक टू द वीडियो। मैं हूं आशीष कुमार। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको पर्क्स ब्रांड का स्वेट शर्ट। आपको बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट रहने वाला है। मैंने कुछ खुद पहन के से फोटो शूट किया है और होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो क्लास में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको ओवरऑल रिव्यू कैसा लगा। लेकिन उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, हम बता दें कि हम अपने चैनल पर लाइफस्टाइल से वो बातें बताते हैं जो लाइफस्टाइल में बेहतर बनाने में आपकी मदद करती है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले तीन वीडियो में आपने फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट देखा, जो कि मैंने जैसा बताया कि विंटर खत्म हो रहे हैं और उसके लिए अभी जो पहनने का जो स्टाइल है, हल्की हल्की सी ठंड रहती है, उसमें आप कैसे अपने आप को फैशनेबल रख सकते हैं। फैशन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फैशन प्रोडक्ट हैं, वो आज रिव्यू करने जा रहा हूँ, जिसमें से एक और है स्वेट शर्ट जो कि ब्लू कलर का है और पर्क्स की ब्रांडिंग है। अलग अलग ब्रांड है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मार्क एंड स्पेंसर का भी मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले मैं आपको ये प्रोडक्ट रिव्यू कर देता हूँ। ये ब्लू कलर में है, क्योंकि आप जब पार्टी वियर की बात करते हैं, रात में आप थोड़ा कैजुअल दिखना चाहते हैं, थोड़ा क्लासी लगना चाहते हैं, तो ये पहन के जाइए, आप बहुत अच्छे लगेंगे। आपके ब्लू जीन्स में या मंकी वॉश जीन्स पे आप पहने, आप कोई भी शूज़ पहन सकते हैं, चाहे आप जो भी आपका स्टाइल प्रेगनेंस है। और जहाँ तक इस प्रोडक्ट की बात है, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत फिट आया। जितना भी ये सारे साइज हैं, यानी सबसे स्मॉल साइज़ की बात कर रहा हूँ, और क्वालिटी वाइज पर्क्स से आप डेफिनेटली, आप जैसे आप जानते हैं, नोन ब्रांड है और काफ़ी टाइम से चला रहा है, और मुझे ये बहुत ही फिटेड हुआ। और ये आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह से मंगा सकते हैं। ऑनलाइन में आपको डेफिनेटली ये सस्ता मिलेगा। आई थिंक मित्रा पे भी आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, अमेजोन पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्राइस के अराउंड आपको 700-800 रुपये तक में ये आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। और प्लीज़ जाइए और बाय कीजिए। और जो डील है अभी, जैसे क्या होता है कि आप एंड ऑफ द सीजन सेल डील चल रहा है, तो वो डील में आपको ये फ़ायदा मिल सकता है, और मैंने भी इसे डील में लिया है, तो डेफिनेटली आपको भी ये चीज़ देखने में मिलेगी। मार्क एंड स्पेंसर का जो मैंने जो भी वीडियो बनाया, क्योंकि वो एक बहुत ब्रांडेड प्रोडक्ट है, बहुत ब्रांडेड कंपनी है, तो डेफिनेटली उसके जो प्राइजेज हैं वो कभी कभी आपको सस्ते मिलते, कभी कभी नहीं सस्ते मिलते हैं। तो ऑनलाइन में भी आपको कभी कभी दिखेगा कि बहुत महंगे। आप मित्रा पे आप एक बार वॉक अराउंड देख लीजिएगा उसका पूरा, कि आपको वो फैब्रिक्स कैसा है। इसमें क्या है कि ये आपको बहुत हद तक, क्या मतलब, ठंड लगती ही नहीं इसमें, मतलब इतना गर्म रहता है, अंदर से लगता है कि आपने कोई ब्लैंकेट डाल के रखा है। बहुत सॉफ्ट है, हार्श नहीं रहता आप बॉडी के लिए, ठीक है। और बड़ी से ब्रांडिंग आ जैसे बैजिंग दी गई हुई है पर्स की, जो डियर की जो साइन है, तो वो आपको कूल लगता है। आपको लगता है कि आपने एक ब्रांडेड चीज़ें पहनी है, और आपको वो कॉन्फिडेंस देता है। लोगों से जब बात करते हैं, मिलते हैं, तो आपको लगता है कि एक अलग पहचान या आप अलग छाप छोड़ रहे हैं दूसरों के बीच। कैसे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइस, जिन्होंने अभी तक वो तीन वीडियो नहीं देखा है, जस्ट इससे तीन पहले दिन मैंने जो वीडियो अपलोड किया है नहीं देखा है, प्लीज़ जाके देखिए और उस पर जरूर कमेंट अपने विचार दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या पसंद आया, नहीं पसंद आया। अगर आप फैशन रिलेटेड कोई और वीडियोस देखना चाहते हैं, डेफिनेटली आप मुझे यहाँ पे ही बता सकते हैं, इस कमेंट मतलब इस वीडियो के कमेंट के सेक्शन में भी बता सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मुझे बेजिंग बहुत पसंद है, कंपनी की ब्रांडिंग होती है। जैसे कल की वीडियो में मैं आपको यूनाइटेड कलर्स ऑफ ब्लैकट्रॉन का दिखाऊंगा, ब्लैकट्रॉन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके भी प्रोडक्ट रिव्यू एक है मेरे पास, प्रोडक्ट मैंने लिया है और वो भी काफ़ी कूल दिखता है, मैंने एक दो बार पहना भी है, तो होप आपको वो पसंद आएगा। और वो ऑफलाइन में मिलता है, ऑफलाइन में आप स्टोर पे जाएंगे, स्टोर पे मैंने हर बार बोला है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस करते हैं, आप पहले कन्फर्म हो लें कि वो प्रोडक्ट या वो प्रोडक्ट साइज़ आपको सही फिट आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो प्लीज़ एक बार विजिट कर लें स्टोर, आप वहाँ पर देख लें। अगर वो एक्सपेंसिव है, घर पर आइए, ऑनलाइन परचेस कीजिए, और डेफिनेटली आपको पता है कि कौन सा साइज़ आपके लिए फिटेड है, ठीक है। शूज़ के बारे में भी मैं अभी आपको एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है, वो आप जरूर देखिएगा। अभी आपको ट्राउजर्स, यानी फैशन रिलेटेड आई थिंक आपको 10 से 15 वीडियोस आपको हमारे चैनल पे अभी देखने को मिलेंगे, और डेफिनेटली होप आपको ये सारी वीडियोज़ पसंद आएंगी। और मेरी कोशिश रहती है छोटी छोटी सी कि मैं अपनी लाइफ में जो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, होप आपकी भी लाइफ में थोड़ा सा वो इन्हांस करें, ठीक है। तो होप आपको इसी तरह ये चीज़ें पसंद आएंगी। और मुझे अलग अलग ब्रांड्स के चीज़ें पसंद है पहनना, चाहे जींस के ब्रांड हो, अलग अलग ब्रांड हो, यानी 4-5 अलग अलग ब्रांड, एक ही ब्रांड का 2-3 रखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। अलग ब्रांड के तो आपको फील कम्फर्टेबल, आपको थिंकिंग में थोड़ा पॉजिटिवनेस वो आता है, तो दैट्स वही मैंने ऐसा बोला। और प्लीज़ आप कुछ भी सुझाव है प्लीज़ हमें बताइए। और जहाँ तक इस प्रोडक्ट की बात है, गो एंड बाय। अगर आपको इस तरह के जो स्वेट शर्ट है वो पहनने की आदत है, आपको अच्छा लगता है, स्वेटर भी बहुत लोग बोलते हैं, तो आपको अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली इसे बाय कीजिए। और होप
आपको ये सूट करेगा, और अगर आपने इसे खरीद के रखा है, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपने पॉजिटिव कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, और अगर पिक शेयर करना चाहते तो इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा, डेफिनेटली उसको अगली वीडियोस में मैं अपने में वीडियोस में जगह दूंगा कि हाँ हमारे व्यूअर्स ने क्या पहना या उनमें क्या उनको पॉजिटिवनेस लगा या उन पर वो कैसा दिखता है, तो वो कुछ इस तरीके से। और होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और जो भी सब्सक्राइबर है हमारे जितनों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया है, उनका दिल से धन्यवाद। और बहुत धीरे धीरे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी तरह कोशिश है हमारी कि हर रोज़ एक वीडियो लाएँ और आप तक वो चीज़ें बताएं। बहुत जल्द आपको एसेंशियल नीड्स के भी वीडियोस आएंगे, क्योंकि हमें एक दिन में एक ही वीडियो डालते हो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वीडियोस बहुत आएंगे हर रोज़। अभी जब से स्टार्ट किया तब से थैंक यू सो मच।